नमस्कार दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर। तो आरएस की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 पेपर 3 जो है उसके यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवरअप करने के लिए हमने शुरुआत की थी पिछली कक्षा से। और पिछली कक्षा में हमने जो प्रशासन शब्द है उसे समझा और प्रशासन, प्रबंधन और संगठन में क्या अंतर होता है उस पर भी हमने बात की थी। आज की कक्षा में तो हमने ये दो टॉपिक्स जो हैं पूरे कर लिए हैं। आज जिन टॉपिक्स पर हमारा फोकस रहेगा वो है, पहला टॉपिक होगा हमारा लोक प्रशासन क्या होता है, हम इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद हम इसका जो स्कोप है या जो कार्य क्षेत्र है उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रशासन शब्द हमारा पूरा हो चुका है और अब हम लोक प्रशासन पर आने वाले हैं। तो सीधी सीधी बात है कि प्रशासन कई अलग अलग क्षेत्रों में लागू होता है और उसी क्रम में एक विशेष क्षेत्र लोक प्रशासन के रूप में होता है जो किसी कल्याणकारी राज्य में लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो ये कक्षा अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसका पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको ये मिल जाएगा एक ही कोर्स में और नोटिफिकेशन भी वहाँ मिलते रहते हैं, तो वो आप जरूर एक बार वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और पहले लोक प्रशासन को समझ लेते हैं। तो सामान्य भाषा में हम लोक प्रशासन को क्या कहेंगे? मैंने जब आपको कल प्रशासन समझाया तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। 3 शब्दों पर मैंने विशेष रूप से आपको ध्यान देने के लिए कहा था। पहला शब्द था लक्ष्य, प्रशासन की परिभाषा में लक्ष्य समाहित है। दूसरा है लोग या संसाधन और तीसरा है क्रियान्वयन। अब इसके लिए हम अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं, निर्देशन, क्रियान्वयन, संगठन, आयोजना, इस तरह के बहुत से शब्द, ठीक है। तो 3 चीज़ों से हमने प्रशासन को समझा था कि कोई एक लक्ष्य होता है, कुछ लोग हैं, कुछ संसाधन हैं, उन सभी का समन्वय और निर्देशन करने का काम हम प्रशासन के अंतर्गत करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम लोक प्रशासन की परिभाषा देखेंगे तो हम इस लोक शब्द को जोड़ेंगे, तो लोक यानी लोग या फिर जहाँ पर लोगों के लिए कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर सामान्य वर्ग, सामान्य जनता के लिए कोई काम किया जा रहा है। तो प्रशासन का एक भाग या एक हिस्सा, अगर हम प्रशासन को एक बहुत बड़ा हिस्सा माने तो उसके अंदर जो है लोक प्रशासन है। अगर ये मान लीजिए ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये एक हिस्सा जो है ये पबैड हो जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है इसका तात्पर्य? कि प्रशासन के उस भाग से जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों से संबंध रखता है, इसका फोकस सरकारी नौकरशाही पर होता है। तो अब सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सरकार के भी कुछ लक्ष्य हैं और सरकार को उनको प्राप्त करना है। उसके लिए सरकार क्या करती है? कुछ लोगों को इकट्ठा करती है रिक्रूटमेंट के माध्यम से, नियुक्ति के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से, चुनाव के माध्यम से, और फिर उनको उनके माध्यम से काम करवाती है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ये जो ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, ये दरअसल लोक प्रशासन के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सामान्य भाषाओं में हम क्या बोलेंगे कि प्रशासन का एक हिस्सा या एक भाग जिसका मूलभूत काम जो है सरकार के प्रशासनिक कार्यों को देखना और उन्हें पूरा करना है, जिसका फोकस एक तरह से सरकारी नौकरशाही पर है। जो हमारे पास जितने भी कर्मचारी वर्ग है उनके ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, वो सारा प्रशासन के लोक प्रशासन वाले हिस्से में सम्मिलित है। अब यहाँ पर भी लोक प्रशासन की बहुत सी परिभाषाएं दी गई है, जैसा कि हमने पहले प्रशासन की देखी थी। तो वही अब ये समस्या यही आती है, क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक के बाद एक हर एक शब्द के लिए बहुत सी परिभाषाएं देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये शुरुआत से ही समझा रहा हूँ कि चाहे कोई कितनी भी गारंटी आपको दे ले, यहाँ तक कि कोई भी शिक्षक भी जो होंगे वे भी आपको एग्जैक्ट रटी हुई परिभाषा नहीं बता सकते। परिभाषाएं हमेशा, मैंने कहा, कुछ कीवर्ड्स को आप उठाइए, कॉमन चीज़ों को निकालिए और जिसकी भी परिभाषा पूछे, चाहे वो किसी का भी नाम दे दे, आपको प्रयास यही करना है कि एटलीस्ट आपको वो कॉमन शब्द याद रहने चाहिए जिनसे कि आप उसको आंसर दे सकें। तो जहाँ प्रशासन में हमने 3 कॉमन शब्द देखे थे, वहीं पर लोक प्रशासन में हमको एक और नया शब्द देखने को मिल जाएगा, सरकार। ठीक है, क्या मिलेगा? सरकार। तो अब सरकार को ये अलग अलग रूप में प्रदर्शित करेगा, जैसे कि वुड्रो विल्सन क्या कह रहे हैं,
वुड्रो विल्सन कह रहे हैं कि लोक प्रशासन कानून का विस्तृत ब्योरेवार एवं क्रमबद्ध अनुप्रयोग है। तो कानून, कानून कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। तो सरकार के बनाए गए कानूनों को एक तरह से उपयोग में लाना, उनको लागू करना, ये लोक प्रशासन का काम है। ठीक है, तो कानून का प्रत्येक अनुप्रयोग एक विशेष प्रशासन का काम है और उस विशेष प्रशासन को ही हम लोक प्रशासन का नाम दे रहे हैं। तो कानून या सरकार, देखो सरकार ही कानून बनाती है, तो कानून या सरकार ये दो शब्द अगर आपके पास में कहीं पर हैं तो वो लोक प्रशासन में। तो प्रशासन के जिस हिस्से में कानून या सरकार की बात आ जाएगी वो लोक प्रशासन है। फिर देखो, लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित है, चाहे वे स्थानीय हो या केंद्रीय। हर प्रकार के सरकार के जितने भी काम हैं वो लोक प्रशासन में आते हैं। लूथर गुलिक बोलते हैं कि लोक प्रशासन सरकार से संबंध रखता है, विशेषकर कार्यपालिका शाखा से, जहां सरकार का काम होता है। लेकिन आगे लूथर गुलिक कहता है कि विधायिका और न्यायपालिका की समस्याएं भी इसमें सम्मिलित है। तो आगे जब आप प्रकृति पढ़ोगे, जो कार्य क्षेत्र पढ़ोगे इसका, लोक प्रशासन का, तो वहां पर आपको कुछ अलग अलग व्यूज देखने को मिलेंगे, दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। तो उसमें अगर आप छोटे स्तर पर देखो तो केवल कार्यपालिका की हम बात कर लेते हैं कि कार्यपालिका जो काम करती है वो लोक प्रशासन में आ जाते हैं। और अगर आप थोड़ा बड़े स्तर पर देखो तो उसमें फिर विधायिका और आपकी न्यायपालिका भी सम्मिलित हो जाती है। जे एम पिफनर क्या बोल रहे हैं? प्रशासन लोगों के प्रयासों का समन्वय करके सरकारी काम, देखो फिर से आ गया ना, सरकारी काम को करवाने की प्रक्रिया है। और एल डी वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी काम हैं जिनका प्रयोजन सरकारी नीतियों की पूर्ति करने या उन उद्देश्यों की पूर्ति करने या सरकारी कामों को लागू करने के लिए होता है। तो प्रशासन और लोक प्रशासन की परिभाषा में आपको मूलभूत अंतर जो दिख रहा है वो यह है कि लोक प्रशासन में सरकारी कामों पर ध्यान दिया जाता है, सरकारी कामों की पूर्ति उसमें होती है, सरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। बस कोई नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है कि वुड्रो विल्सन ने क्या लिखी, पर्सी मैकवे ने, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, आप गॉड गिफ्टेड है तो एक बात अलग है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं होगा, ये फैक्ट है। मैं पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहा हूँ तो हमने यही कोशिश की है हमेशा कि चीज़ों को कुछ इसी तरह से आप याद कीजिए ताकि आपको परीक्षा के समय दिक्कतें ना हो, क्योंकि एंड में जब रिविजन करना होता है तो बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पर हो जाता है। तो लोक प्रशासन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐप पर तो आपको डिस्कशन फोरम भी दिया हुआ है, तो हर एक वीडियो के नीचे आप डिस्कशन फोरम में जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल हम आगे दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं, एक है नेचर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रकृति, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकृति, और दूसरा हम बात करेंगे इसके बाद में स्कोप, जिसको हम बोलेंगे कार्य क्षेत्र। ये दोनों शब्दों में अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बार बार आपको ये चीज़ें मिलेगी, जब भी आप कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो पूछेगा आपको इसकी प्रकृति बताइए। अभी जैसे आपको प्रशासन की प्रकृति पूछ रहा है, फिर आपको प्रबंध की प्रकृति पूछने लग जाएगा, फिर आपको नवलोक प्रबंध की प्रकृति पूछने लग जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति और स्कोप, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है। वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक नहीं बन पाएगा। हम क्या करेंगे, हम प्रकृति में स्कोप लिख देंगे, स्कोप के अंदर हम टारगेट लिख देंगे, टारगेट में हम विजन लिख देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, शब्दों के बीच का अंतर दिखना चाहिए। तो समझिए कि नेचर और स्कोप में क्या अंतर है। अब आप सामान्य भाषा में कई बार बोलते हैं, नेचर का प्रयोग हम करते हैं कि यार भाई तुम जो नौकरी करते हो उसका नेचर क्या है, कई बार हम बोलते हैं ना। तो इसका इसका सीधा सीधा अर्थ हम ये पूछना चाहते हैं उससे कि भाई तू काम क्या करता है, जिस पोस्ट पे तू है उस पोस्ट के साथ में कौन कौन से काम जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर नेचर में ये पूछते हैं कि भैया लोक प्रशासन में काम करते समय किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ किन किन चीज़ों से जुड़ी होती है। ये चीज़ जहाँ पर बात हो रही है वो है उसकी प्रकृति, कि उसकी एक्चुअल में उसका नेचर क्या है, वो किस तरह के कामों से संबंधित विषय है। तो लोक प्रशासन किन किन कामों से संबंधित है और वहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ लोगों के पास होती है, वो सारे उसके नेचर में आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कोप या कार्य क्षेत्र की, तो हम बात करते हैं कि वो संबंधित विषय कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच रखता है और किन किन क्षेत्रों पर लागू हो जाता है जाकर के। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार तुमने विज्ञान विषय ले लिया,
अब तुम्हारे पास आगे जॉब के लिए क्या स्कोप है, कौन कौन सा आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। आप बोलोगे कि वैज्ञानिक बनकर के मैं जो है रिसर्च फील्ड में भी जा सकता हूँ, वैज्ञानिक बनकर के मैं कुछ नए अनुसंधान कर सकता हूँ या इनोवेशन कर सकता हूँ, या किसी वैज्ञानिक कंपनी के अंदर मैं काम कर सकता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में काम कर सकता हूँ, मैं डेटा साइंस में काम कर सकता हूँ, इस तरह से। तो हमको या फिर मैं टीचर बन सकता हूँ, एज अ टीचर टीचिंग के रूप में भी मैं काम कर सकता हूँ। तो ये हो गया उसका स्कोप। तो नेचर जहाँ पर उसमें सम्मिलित कामों को दर्शाता है कि कौन कौन से काम करने होंगे, वहीं पर स्कोप ये दर्शाता है कि कहाँ कहाँ जा करके और वो विधा, वो लोक प्रशासन जो है अपनी पहुँच बना सकता है, कहाँ कहाँ तक उसकी रीच है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अंतर है। तो पहले हम लोक प्रशासन की प्रकृति पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दो मूलभूत मत हमारे पास प्रचलित है, इनको हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ये प्रकृति भी हो सकते हैं या दृष्टिकोण भी। बोलेगा कोई आपको कि लोक प्रशासन के कोई दृष्टिकोण बताइए, तो यहाँ पर आप इनको दो दृष्टिकोण, मतलब जो विद्वान है उनके देखने का नजरिया क्या है। दृष्टिकोण क्या होता है बेसिकली, नजरिया। तो विद्वान लोक प्रशासन को किस रूप में देख रहे हैं। तो हो सकता है कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं यार, लोक प्रशासन तो केवल मैनेजर का काम करता है, प्रबंध से जुड़े हुए कामों को ही करता है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं भैया, हमारा तो ये मानना है कि लोक प्रशासन समग्र रूप से बहुत सारे काम करता है, जिसमें प्रबंध के काम तो है ही, उसके अलावा नीचे के स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर के सभी काम, क्योंकि प्रबंध के काम तो केवल ऊपरी स्तर पर होते हैं। लेकिन समग्र दृष्टिकोण रखने वाले विद्वान कहते हैं कि भैया, ये जो लोक प्रशासन है ये केवल प्रबंध के कामों से ही नहीं जुड़ा, ये और भी कामों से जुड़ा हुआ है। तो ये है प्रकृति या स्वरूप या दृष्टिकोण, तीनों ही चीज़ें एक ही जगह पर है। अगर आपको तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप एक जैसा ही उत्तर देंगे। प्रबंध की दृष्टिकोण के समर्थक, अब आपको एक एक कम से कम समर्थन याद होना चाहिए, कम से कम एक एक। जैसे कि प्रबंध की बात करें तो हम लूथर गुलिक को जरूर ले लेंगे, तो लूथर गुलिक को आप याद कर लीजिए, हर्बर्ट साइमन को आप याद कर सकते हैं, स्मिथ बर्ग को याद कर सकते हैं, कोई सा भी एक या दो। तो आप जब लिखेंगे उत्तर अपना, तो एक पहले आपकी पंक्ति हो जाएगी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण या प्रबंधकीय प्रकृति के समर्थक हैं लूथर गुलिक। इसी तरह से समग्र प्रकृति जो है उसके समर्थक होते हैं हेनरी फेयल और एलडी वाइट, ये दो नाम हैं। अब ये तो लर्निंग आपको ही करना पड़ेगा, इसमें तो मैं कोई आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या क्या सम्मिलित है? तो लूथर गुलिक जो प्रबंधकीय कार्य बताते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि केवल प्रबंधन से जुड़े जो काम हैं, जैसे कि प्लानिंग करना या योजना बनाना, संगठन जो है या ऑर्गेनाइजेशन करना, नियंत्रण करना, ठीक है, समादेशन या फिर डायरेक्शंस देना, ये सारे कामों को जो है किसमें सम्मिलित किया जाता है, ये पोस्ट कोर वाली गतिविधियों जैसा इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रबंधकीय दृष्टिकोण में। जबकि जो हमारा दूसरा वाला दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण, वो क्या बोलता है कि भैया केवल प्रबंध का ही काम नहीं है, चाहे नीचे वाला बाबू कोई काम कर रहा है, कोई टेक्नीशियन अगर कोई काम कर रहा है, ऑटोमेशन का अगर कोई काम है, तो हर एक स्तर का, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पानी लाकर पिला रहा हो या फिर बड़े निर्णय लेने वाला बड़े से बड़ा अधिकारी हो, ये सारे के सारे लोक प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ऐसा जो है इस मत का मानना है। और वैसे अगर हम देखेंगे तो आज के समय में जो समग्र दृष्टिकोण है उसी पर हम थोड़ा ध्यान दें तो वो बिल्कुल सही भी है, आपको इसका समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोक प्रशासन है ये बड़ा जटिल हो चुका है और इसमें लगभग लगभग सारे ही कामों को सम्मिलित कर लिया गया है। आज कोई स्पेसिफिक काम से आप नहीं जुड़े हुए, लोक कल्याणकारी राज्य में हर प्रकार की जिम्मेदारी सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, तो उसके कामों में भी वृद्धि हुई है और इसीलिए लोक प्रशासन के भी स्वरूप में बदलाव हुआ है। तो दो मत, प्रबंधकीय और दूसरा आपका समग्र। पहला जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, ये लोक प्रशासन को कार्य करवाने वाला मानता है। तो आप भी जानते हैं कि मैनेजरियल पोस्ट पर जो लोग होते हैं उनका काम केवल नीचे वालों से काम करवाना है, जबकि जो दूसरा समग्र दृष्टिकोण है वो कहता है कि लोक प्रशासन काम करने वाला है, ये खुद भी काम करता है और लोगों से काम करवाता भी है। तो आज के समय में तो स्थिति यही है कि मान लीजिए कहीं पर कोई अतिक्रमण हटाना है और आप एक SDM है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप डंडा चलाकर बोल देंगे कि जाओ अतिक्रमण हटा के जाओ, नहीं, आपको बाकायदा उस जगह पर जाना पड़ता है, लोगों को समझाइश करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करना पड़ता है और तब जाकर के आप उस काम को कर पाते हैं। तो आपको एक्चुअल में काम करना होता है। तो दोनों मत आपने देख लिए, प्रबंधकीय मत और दूसरा समग्र मत, ये दोनों क्या है, ये है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण
लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन का नेचर और लोक प्रशासन का स्वरूप कुछ भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां से याद करके जाएंगे आप इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कोप की, कि हमारे लोक प्रशासन का स्कोप क्या है। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं तो लोक प्रशासन का स्कोप या तो व्यावहारिक रूप से हो सकता है या फिर थ्योरेटिकल रूप से हो सकता है। व्यावहारिक रूप मतलब फील्ड में जाकर के जब आप काम करते हैं लोक प्रशासन में, तो वहां पर आप क्या काम कर सकते हैं क्रियाकलाप के रूप में या फिर एक एक्टिविटी के रूप में आप लोक प्रशासन का क्या कार्य क्षेत्र देखते हैं। दूसरा इसका कार्य क्षेत्र थ्योरेटिकली किसी एक विधा के रूप में या फिर अध्ययन विषय के रूप में हो सकता है, ठीक है। या तो एक स्टडी सब्जेक्ट है, भाई लोक प्रशासन मैंने ले रखा है, मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आगे जाकर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ कर रहा हूँ, तो वो विषय वस्तु सब्जेक्ट आ गया विषय के रूप में। दूसरा आपका विधा के रूप में हो गया कि ये नहीं 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 ये एक विधा हो सकती है, विज्ञान के रूप में हम इसको देखते हैं या कला के रूप में देखते हैं। और इधर वाले की बात करें तो ये क्रियाकलाप या गतिविधि प्रैक्टिकली हम कहाँ उसको देख रहे हैं उसके रूप में हो सकता है। तो हम एक एक करके दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन का कार्यकलाप के रूप में या गतिविधि के रूप में कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। अब इसको लेकर भी विद्वान दो तरह से सोचते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं यार, बहुत नेरो सोच के साथ में बात करते हैं कि नहीं यार हम बिल्कुल कम सोचेंगे, संक्षिप्त बात करेंगे, संकुचित रूप से हम बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि केवल और केवल कार्यपालिका का जो काम है ना वो आपके यहाँ पर स्कोप में आता है, कि कार्यपालिका हमारी जो है वो जो भी काम कर रही है वो सारा का सारा संकुचित दृष्टिकोण में आता है। तो ये विद्वान सोचते हैं कि केवल कार्यपालिका जो काम कर रही है वही लोक प्रशासन का काम है। तो व्यावहारिक रूप से तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार के जो काम है वही लोक प्रशासन के अंतर्गत है व्यावहारिक रूप में, लेकिन इसमें भी संकुचित दृष्टिकोण केवल कार्यपालिका की बात करता है। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण है जिसको हम ब्रॉड जो है हमारी थॉट बोल सकते हैं, तो ब्रॉड या व्यापक दृष्टिकोण क्या बोलता है, नहीं भैया तीनों जो अंग है तीनों अंग मिलकर के जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा लोक प्रशासन में आता है। तो अगर हम विस्तार से दोनों को एक साथ मिलाकर के बात करें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के सभी क्रियाकलाप हैं, ठीक है। और सरकार के जो काम है वो सारे के सारे लोक प्रशासन के काम है। अब आप क्या मानते हो, क्या न्यायपालिका के पास जो काम है वो सारे के सारे लोक प्रशासन के पास नहीं है, उनके नीचे भी तो एक मशीनरी काम कर रही है तो वो भी ऑटोमेटिकली इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। क्या विधायिका जो काम कर रही है वहां पर क्या हमारे लोक प्रशासन के अधिकारी सचिवों के रूप में काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पूरे कानून बनाने का काम भी उन्हीं का लोक प्रशासन का ही होता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सरकार को बहुत से सेवाएं प्रदान करनी पड़ती है और उसका भार भी लोक प्रशासन पर ही है। तो हम व्यापक दृष्टिकोण के साथ ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन व्यापक दृष्टिकोण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के ही काम करता है। इसके अलावा भले ही सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों या फिर निजी उद्योगों, सभी का विनियमन करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि बाजार में कुछ सामान बन रहा है, कोई भी उत्पादन हो रहा है, तो उस उत्पादन पर कौन नज़र रख रहा है, कौन गतिविधियों का नियंत्रण कर रहा है, लोक प्रशासन। कल को आप GST अधिकारी बनते हैं तो क्या निजी क्षेत्र द्वारा कंप्लायंस की जा रही है उसको आप ही देखेंगे। अगर लैंड से रिलेटेड कोई काम हो रहा है तो तहसीलदार को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, फूड इंस्पेक्टर्स प्राइवेट दुकानों पर जाकर भी देखते हैं, उद्योग अधिकारी विभिन्न निजी उद्योगों को भी जाके देखते हैं। तो एक तरह से प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कामों तक इसका व्यापक प्रसार हमको देखने को मिलता है। तो व्यापक दृष्टिकोण ही हमको लेकर चलना है। वैसे संकुचित दृष्टिकोण भी कुछ विद्वान लेकर चलते हैं, तो हम दोनों का हमें पता होना चाहिए कि क्रियाविधि के रूप में या क्रियाकलाप के रूप में व्यापक और संकुचित दो दृष्टिकोण है, लेकिन हम व्यापक के ही पक्ष के साथ में चलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज वही लागू है। तो ये तो बात हो गई आपके क्रियाविधि के रूप में। अब बात करते हैं विधा या अध्ययन विषय के रूप में। तो यहाँ पर दो मत हमारे पास आते हैं। विधा के रूप में तो आपके पास दो मत पहले से हैं जो मैंने आपको बताए, विज्ञान के रूप में या फिर कला के रूप में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। विज्ञान होने का मतलब है, विज्ञान किसको बोलते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त होने वाला कोई भी जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। तो अगर हम लोक प्रशासन को विज्ञान बोलना चाहें तो कब बोलेंगे, जब हमको कोई निश्चित नियम दिखे। विज्ञान में क्या होते हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में नियम होते हैं, ठीक है, पैटर्न होता है, एक व्यवहारिकता होती है कि हाँ भाई आपको उसी पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोक प्रशासन की तरफ देखिए, क्या आपको उसमें हायरार्की दिखती है, पद सोपान दिखता है, बिल्कुल दिखता है। क्या उसके कुछ फिक्स नियम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उस आधार पर हम लोग इसको विज्ञान कह देते हैं।
कला क्या करती है, कला सृजन की बात करती है, ठीक है, और सृजन जो है ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो विज्ञान तो वस्तुनिष्ठ है, सभी के लिए एक जैसा है, आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग नियम, किसी के लिए अलग नियम। लेकिन अगर आप बात करें लोक प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं ये कला के रूप में भी है, क्योंकि कई बार आप देखते हो व्यक्तिगत रूप से भी निर्णय लेने पड़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नियमों के विपरीत होते हैं, या फिर वस्तुनिष्ठता उसमें झलकती है। आपका जो व्यवहार है, हो सकता है आप समझाइश पर ज़्यादा जोर देते हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, आप एथिकली बहुत मजबूत हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मायने रखती है। तो हम एक तरह से विधा के रूप में इसको विज्ञान या कला दोनों ने मान करके इसको एक सामाजिक विज्ञान का रूप मान सकते हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो इसमें विज्ञान भी है और इसमें कला भी है, दोनों ही इसमें सम्मिलित है। अध्ययन विषय की अगर हम बात करें तो अध्ययन विषय में दो मत हमारे पास हैं, एक है पोस्ट कोर्ब का मत और दूसरा है विषय वस्तु का मत, ठीक है। लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब का मत दिया है, आप प्रबंधन में इसको पढ़ते हैं। पोस्ट कोर्ब में जो ये शब्द हैं, पहले शुरुआती इन्हीं के आधार पर सात गतिविधियों को हम सम्मिलित करते हैं। पी फॉर प्लानिंग या योजना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, फिर उसके बाद एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। तो ये जो सात कार्य हैं, इन्हीं को लूथर गुलिक मानते हैं कि ये लोक प्रशासन के काम है, ठीक है। तो जो अध्ययन विषय या विधा के रूप में जो मत है हमारा, उसमें पोस्ट कोर्ब मत क्या कहता है कि भैया लोक प्रशासन के काम केवल पोस्ट कोर्ब तक की गतिविधियों में ही सीमित हैं, ठीक है, ये इनका मानना है। और चूंकि पोस्ट कोर्ब में जो काम किए जाते हैं वो लगभग लगभग हर एक विभाग में, हर एक संगठन में आपको देखने को मिलेंगे। आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का निर्माण करना पड़ेगा, आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी, आपको निर्देशन देना पड़ेगा, आपको समन्वय करना पड़ेगा सभी वर्गों के बीच में, अलग अलग विभागों के बीच में, आपको फिर इसकी रिपोर्टिंग चैनल में करनी पड़ती है, तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। दूसरा मत आपका क्या बोलता है, विषय वस्तु मत। एक सब्जेक्ट मैटर की बात अगर हम करें तो अलग अलग क्षेत्रों में लोक प्रशासन अलग अलग रूप से काम करता है। तो पोस्ट कोर्ब का काम तो हर जगह होगा, लेकिन विषय वस्तु के रूप में, जैसे मान लीजिए कि आप जलदाय विभाग से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपको इस विभाग से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, तो भले ही आपका पोस्ट कोर्ब मत तो चलेगा उसमें, लेकिन उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में डिसिप्लिन, डिफेंस सेक्टर की जो स्ट्रेटेजी और उनसे जुड़ा जो अलग विशिष्ट ज्ञान है वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो लेविस मरियम नामक जो विद्वान है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन में जो ये आपके पोस्ट कोर्ब वाले क्रियाकलाप हैं, इनके अलावा रक्षा, कानून, न्याय, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण जैसे काम भी सम्मिलित होते हैं। तो विषय वस्तु मत क्या मानता है, लेविस मरियम बोलते हैं कि भैया ये तो एक कैंची के समान है। क्या है ये, एक तरह की कैंची है। तो कैंची का एक जो है धार तो है पोस्ट कोर्ब, ठीक है, तो वो तो कॉमन है, और दूसरी धार बदलती रहती है जो विषय के आधार पर होती है, जिस विषय से आप जुड़े हैं। अब आप अगर स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हैं तो आपको उस मंत्रालय की विशिष्ट जानकारियों से भी संबंधित होना होता है, ठीक है। तो जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें पोस्ट कोर्ब के साथ साथ विशेषज्ञ तकनीकों को भी सम्मिलित किया जाता है, ऐसा विषय वस्तु मत मानता है। तो पोस्ट कोर्ब मत तो मानता है कि केवल और केवल पोस्ट कोर्ब की गतिविधियां लोक प्रशासन में है, जबकि विषय वस्तु मत लेविस मरियम का ये मानता है कि भैया ये कैंची की तरह है, केवल पोस्ट कोर्ब से काम नहीं चलेगा, कैंची तभी काट पाएगी जब उसकी दोनों धार होंगी। तो आपको न केवल विषय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान होना चाहिए बल्कि पोस्ट कोर्ब का भी ज्ञान हो, दोनों मिलकर ही इसे सफल बना सकते हैं। तो ये हो गया अध्ययन विषय के रूप में दो मत हमारे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपके कमेंट बताएंगे चीज़। तो पोस्ट कोर्ब की यहाँ पर कुछ आलोचना भी है कि पोस्ट कोर्ब मत जो है उसकी अगर आपको आलोचना करनी पड़े जब आप समर्थन करते हैं विषय वस्तु मत का, तो पोस्ट कोर्ब में क्या है कि नीति निर्माण की कहीं पर भी चर्चा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो संगठन के प्रबंधन से जुड़े काम कर रहे हैं, लेकिन नीति निर्माण जो कि महत्वपूर्ण काम है हमारे यहाँ पर प्रशासन का, उसको इसमें नहीं लिया गया है। दूसरा, ये मत अलग अलग एजेंसियों के सामने जो अलग अलग समस्याएं हैं जिनको हमने कवर किया विषय वस्तु में, उनकी अनदेखी करता है। और तीसरा, ये केवल आम तकनीक जो प्रबंधन की तकनीकें हैं उन पर विचार करता है, जो विशेष विषय वस्तु की जो तकनीकें हैं उन पर बात नहीं करता है। तो ये हो जाता है हमारा लोक प्रशासन का स्कोप।
तो दो वर्ग हो गए, एक क्रियाकलाप के रूप में जिसमें हमारे पास संकुचित दृष्टिकोण है, दूसरा व्यापक दृष्टिकोण है, जबकि विधा और अध्ययन विषय के रूप में, विधा के रूप में हम इसको कला या विज्ञान के रूप में देखते हैं, लेकिन हमने लास्ट में क्या बोला कि नहीं, हम तो इसको सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं, थोड़ा कला भी है थोड़ा विज्ञान भी है। और अध्ययन विषय के रूप में हमने क्या बात की कि अध्ययन विषय के रूप में एक मत लूथर गुलिक का है, पोस्ट कोर्ब का मत, और दूसरा मत जो है लेविस मरियम का है, जो विषय वस्तु मत में कहते हैं कि भैया पोस्ट कोर्ब का तो है ही, इसके साथ साथ हमको उस विषय विशेष की भी जानकारी रखनी पड़ती है क्योंकि बहुत से काम हमको इसके करने होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र जो हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा उन पर हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा हमने देखी, और प्रशासन की जो परिभाषा थी उसी में हमने कानून या सरकार को ऐड कर दिया। लोक प्रशासन की प्रकृति या नेचर को हमने देखा, और देखा कि मैनेजरियल या फिर इंटीग्रेटेड या समग्र रूप से दो हमारे पास में यहाँ पर प्रकृति इसकी देखने को मिलती है, दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। और कार्य क्षेत्र में हमने विधा के रूप में या फिर विषय वस्तु के रूप में कार्यक्षेत्र, और दूसरा क्रियाकलाप या गतिविधि के रूप में कार्यक्षेत्र, ये हमने देखे। विधा के रूप में कला और विज्ञान, जबकि विषय वस्तु के रूप में पोस्ट कोर्ब मत हमारे पास एक है, और दूसरा जो है वो विषय वस्तु का मत हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका इस टॉपिक का भी बहुत सा हिस्सा कवर हो गया, और अब हमारी अगली क्लास में हम कवर करेंगे फाइनली लोक एवं निजी प्रशासन के बीच में जो अंतर है और जो समानताएं उन पर बात करेंगे, और लोक प्रशासन का महत्व क्या है उसको भी देखेंगे। पीछे का रिविजन जरूर करते जाओ साथ के साथ, ताकि आपकी तैयारी एक अलग स्टैंडर्ड पे हो, बाकी छात्रों से काफ़ी अलग हो, और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए खुद से पूछ करके। चलिए, धन्यवाद।